मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इस तरह के स्टेटस को क्रिएट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए उस ऐप को ओपन करते हैं। उस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, देखिए किस तरह का इसका लोगो है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। कट करने के बाद आपको अब सर्च बॉक्स में लिखना है ग्लोइंग बटरफ्लाई, ठीक है, GLOWING ग्लोइंग बटरफ्लाई, ठीक है, उसका सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, प्लीज़ सिलेक्ट फोर फोटोज, यहाँ पर लिखा है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फोर फोटो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस जिस फोटो का आपको बनाना होगा उस फोटो को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए लोगो दिख रहा है ना, इस ऐप का लोगो दिख रहा है, इसे हम दोस्तों काइंड मास्टर से हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैक पर क्लिक कर देंगे। मैक पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, वीडियो हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये लोगो इसका हटाना होगा इस वीडियो का, ठीक है। इसके लिए अब हम बीच से कट कर देंगे। अब हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन में चलते हैं। काइंड मास्टर एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9:16 रेशियो का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करके जोड़ दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक करके बेसिक इफेक्ट्स पर यहाँ पे फर्स्ट वाला लेकर इसे राइट क्लिक कर दीजिएगा और इसे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। इसे इस तरह से छोटा कर लीजिए, ठीक है, छोटा करके आपको राइट क्लिक कर दीजिएगा। फिर इस पर क्लिक करके इसे दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करके राइट क्लिक कर देना है। फिर इसके ड्यूरेशन को वीडियो के लास्ट तक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नीचे भी एक लोगो दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए फिर से हम जिस तरह से इस सेटिंग को किए हैं उस तरह से फिर से करेंगे। अब आपको इसे सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने रिसोल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों, और ये आप इसे कहीं भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।